बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, मैं आज की रेसिपी शुरू करती हूँ अल्लाह के प्यार के नाम से जो हम सब पे बहुत बड़ा मेहरबान है, वो रहीम है, वो करीम है। उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। मैं आज की रेसिपी बना रही हूँ मुर्गी के पंजे वाला पुलाव। ये मुर्गी के पंजे मैंने 1 केज लिए हैं, अच्छी तरह वाश करके इनको मैंने 2 टुकड़ों में काट लिया। और ये 1/2 केजी हैं चावल, इनको वाश कर लिया मैंने और भगो के रख लिया, आधा घंटा हो गया। 2 टीस्पून लहसुन, ये सॉरी सब्ज़ मिर्ची के पेस्ट है, और ये इसमें सब्ज़ धनिया भी है, और ये पुदीना है और सब्ज़ मिर्ची है, ये 2 टीस्पून है। लहसुन अदरक का पेस्ट, ये 1 टीस्पून है। फूड कलर, 1 प्याली दही है, और प्याज है 1 प्याली। 1 टीस्पून जीरा है, 1 टीस्पून गरम मसाला है, और ये सुर्ख मिर्च है, 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून और ये हल्दी है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर है, 1 टीस्पून 1/2 टीस्पून ये गर्मा मसाला है, ये 1 टीस्पून मेथी है, 2 टमाटर का पेस्ट है। आयल मैंने गरम करने के लिए रख दिया, आयल गरम हो गया है। अब मैं इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये प्याज शामिल कर रही हूँ। अच्छी तरह गल गए हैं, मैं पानी शामिल कर रही हूँ। 1/2 केजी है चावल और 1 लीटर पानी शामिल कर रही हूँ। पानी को उबाल आ जाएगा फिर चावल शामिल कर दूँगी। पानी को उबाल आ गया, अब मैं चावल शामिल कर दूँ।
माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये थोड़ा सा फूड कलर है, ये शाम में कर दूंगा। दम पे लगा रही हूँ, फिर 5 मिनट तक ये मुर्गी के पंजों वाला पुलाव हमारा तैयार हो गया है। माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत मज़ेदार बने हैं। मैं अपडेट शॉट कर रही हूँ, ये साथ मैंने चटनी बनाई है, पुदीना लहसुन अदरक सुर्ख मिर्च ये अनारदाना सब चीज़ों की। मेरे प्यारे बहन भाइयों, आज की रेसिपी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने बहन भाइयों दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर कर देना ताकि न्यू आने वाली रेसिपी जल्द आप तक पहुंच सके। मेरे प्यारे बहन भाइयों, आपका एक बटन दबाने से किसी गरीब की ज़िंदगी में खुशियाँ आ सकती हैं। दुआओं में हमें याद रखना, कल की रेसिपी में हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।